हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। कल के क्लास में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू और मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया था, राइट? सो टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, हमने पंक्चुएशन चैप्टर स्टार्ट कर लिया था एंड आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप एंड कॉमा के बारे में मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। सो टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, कुछ जो कॉमनली यूज पंक्चुएशन मार्क्स है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ क्वेश्चन मार्क। ओके, पहला हम करेंगे क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स, आपको पता है ये दिस मार्क इज नोन एज योर क्वेश्चन मार्क, जो एवरी क्वेश्चन के पीछे हम लगाते हैं। सो वेन एवर जो स्टेटमेंट, जो सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछता है उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एंड इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी, डिड यू ऑयल योर हेयर नीता, यहाँ पे क्या ये सेंटेंस क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुमने अपने बालों पे तेल लगा लिया। सो हेयर द क्वेश्चन इज बिंग आस्क्ड। तो जिस सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछता है उसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, अगर मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज योर नेम, तो ये भी तो एक क्वेश्चन है, तो इसके एंड में हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। सो इन सिंपल टर्म्स, जो सेंटेंस दैट इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन उसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्लियर? सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्लामेशन मार्क। अब हम एक्सक्लामेशन मार्क कहाँ यूज करेंगे? एक्सक्लामेशन मार्क कैसा होता है, स्टैंडिंग लाइन एंड नीचे फुल स्टॉप, दिस इज योर एक्सक्लामेशन मार्क। ओके, सो द एक्सक्लामेशन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं। सो अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपका सडन इमोशन एक्सप्रेस करता हो, यानी कि सडन इमोशंस मीन्स, या फिर अचानक आप किसी चीज को सुन के सरप्राइज हो जाते हो, ठीक है, खुश हो जाते हो, जो है मीन्स खुश, या फिर अचानक कोई चीज है आपको पेन कर रही हो, आपको हर्ट करती हो, आप दुखी हो जाते हो। ओके, तो ये एक्सप्रेशन जो सेंटेंस एक्सप्रेस करता है ऐसे एक्सप्रेशन, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इसके एंड में हम हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाउ लवली द डे इज, यहाँ पे क्या बताया गया है कि दिन के बारे में बताया है कि दिन कितना सुंदर है, तो ये क्या है, सडन इमोशन है, यानी कि हैप्पीनेस का इमोशन है। सो यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है एंड में। नंबर बी, अलास शी इज डेड, यहाँ पे क्या है, सैडनेस एक्सप्रेशन कौन सा हो रहा है, सैडनेस, बिकॉज डेड का मतलब है मर जाना। ओके, सो शी इज, कोई खत्म हो गया, तो यहाँ पे सैडनेस इमोशन हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अलास शी इज Dead. तो ऐसे सेंटेंस में देखिए अलास के बाद में हमने एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज किया है। तो ऐसे सेंटेंस जो आपको सडन इमोशन बताता हो, जैसे सरप्राइज, सडन आप खुशी हो जाते हो, ओके, दुख हो जाते हो, तो ये जो इमोशन एक्सप्रेस करता है वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड इसके एंड में हम ये एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं। एंड एक्सक्लामेशन मार्क कैसा होता है स्टूडेंट, स्टैंडिंग लाइन एंड फुल स्टॉप। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। Now next point is inverted commas or speech marks. So students, कभी आपने notice किया हो किसी sentence में ये वाला mark देखा होगा आपने, right? So यहाँ sentence में किसी ऊपर से इस तरीके से आता है and closing ये होता है open inverted comma and ये होता है close inverted comma. तो जो भी आपका सर्टेन कोटेशंस होता है वो हमेशा आपके कोटेशन मार्क या फिर स्पीच मार्क के अंदर लिखा जाता है। तो नाउ इसके बारे में अब हम और एक्सेस में पढ़ेंगे। ओके, द इन्वर्टेड कॉमास और स्पीच मार्क्स और कोट मार्क्स, इसको हम थ्री नाम से जानते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, स्पीच मार्क्स और कोट मार्क्स, या फिर कोटेशन मार्क भी बोलते हैं उसको। ओके, आर यूज्ड व्हेन वी कोट और टेल द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय द पर्सन। इससे पहले मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे अब उसी सेंस से जब हम किसी सम अदर पर्सन की एग्जैक्ट वर्डिंग्स को, जब हम एक्चुअल वर्डिंग्स को दूसरों को कन्वे करते हैं, तो उस वर्डिंग्स को, उस कोटेशन, उस वर्ड्स को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर
लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको क्लास में आज कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि कल मैं आपको एक्टिविटी कराऊंगी, तो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया कि मैं आपको एक्टिविटी कराऊंगी, एंड आपने क्या किया, आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो कि टुमारो आवर इंग्लिश टीचर इज गोइंग टू टेक सम एक्टिविटीज इन द क्लास, ओके, और आप ये बता रहे हो कि मैम ने हमें क्या क्या बोला है। तो मैंने जो वर्डिंग्स यूज किया है, जो वर्डिंग्स मैंने आपको क्लास में बताई है, वही वर्डिंग्स आप सिमिलरली सेम वर्डिंग्स को अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, सो दैट इज नोन एज योर एक्चुअल वर्ड्स, ओके, और डायरेक्ट स्पीच। तो जब भी हम इसको, इस वर्डिंग्स को लिखेंगे, हमेशा इनवर्टेड मार्क्स के अंदर या फिर इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर सेड, मेरे भैया ने क्या बोला, मेरे भैया ने जो भी बोला वही सेम वर्डिंग्स आप दोबारा से उसको रिपीट कर रहे हो। तो जब आप उस वर्डिंग्स को दोबारा से रिपीट कर रहे हो, सेंटेंस को दोबारा से रिपीट कर रहे हो, तो उस सेंटेंस को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। आई विल वियर अ ब्लैक कोट एंड ट्राउजर्स फॉर द पार्टी, तो मेरे भैया ने क्या बोला कि मैं क्या पहनूंगा, ब्लैक कोट और ब्लैक ट्राउजर्स पहनूंगा पार्टी के लिए। तो सेम वर्डिंग्स, एक्चुअल वर्डिंग्स जो भैया ने बोली है, उस वर्डिंग्स को इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। इससे पहले मैंने आपको कॉमा में क्या एक्सप्लेन किया था, डायरेक्ट स्पीच के आगे हमेशा हम क्या लगाते हैं, कॉमा यूज करते हैं। तो सेम उसी में है, डायरेक्ट स्पीच के आगे हम कॉमा का यूज करेंगे, और जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसको इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। क्लियर? सो ये आपके शॉर्ट पॉइंट्स थे, इनवर्टेड कॉमास और स्पीच मार्क्स। ओके, अब इससे रिलेटेड हम ये छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी मीन्स वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो हियर चेक इट, यूज क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड इन्वर्टेड कॉमास करेक्टली। आपको क्या क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास कहाँ कहाँ यूज होने चाहिए, वहां वहां आपको यूज करते हुए ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो नाउ लेट अस डू इट। ओके, नंबर ए में देखिए, हाउ मेनी डॉल्स डू यू हैव। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सडन इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। इन्वर्टेड कॉमास की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो आप सिमिलरली इसको कॉपी करो, हाउ मैनी डॉल्स डू यू हैव। अब आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। सो द सेंटेंस इज कंप्लीटेड। नंबर बी, व्हाट अ लवली सीन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, व्हाट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। अब इसको जब आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब आप सेंटेंस को बोल रहे हो, व्हाट द सेंस इज कमिंग, व्हाट अ लवली सीन, कितना सुंदर दृश्य है, दैट मीन्स यहाँ पे सडन इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। सो इट विल बी, व्हाट अ लवली सीन, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, नंबर सी, When do you plan to visit us? ये सिंपल, आप इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप ये बोल सकते हो कि this is your question sentence, तो यहाँ पे हम question mark का यूज करेंगे। When do you plan to visit us? question mark. Okay. Now number D, Bhishma said, Father, please tell me the cause of your sadness. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, क्योंकि भीष्म ने जो बोला है वो एक्जैक्ट वर्ड ये बोला है। ओके, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लेंगे, राइट? भीष्म सेड, सॉरी सेड होगा, भीष्म SAID said, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फादर, जब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर होगा ऑलवेज। ओके, फादर प्लीज टेल मी द कॉज ऑफ योर सैडनेस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
इस तरीके से, ठीक है ना। तो लाइक दिस यू नीड टू कंप्लीट इट। सो नंबर ई एंड एफ इज योर होमवर्क, ये आपको खुद से करना है, ई एंड एफ। क्लियर?